बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। मंच पे सभी संतों को मेरा प्रणाम, पूरे राजस्थान और बाहर के भी कई स्टेट से आए मालधारी समाज के, रेवाड़ी समाज के सभी को मेरा राम राम। कई बात हुई है समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, प्रगति के लिए। कई वक्ताओं ने भी बोला है, मेरा कोई प्रवचन तो नहीं करूंगा मगर मेरे चार पांच मुद्दे हैं। एक मुद्दा ये है, सबसे पहले समाज में शिक्षण अनिवार्य है। शिक्षा होगी समाज का विकास अपने आप होगा। दूसरा मुद्दा, समाज में संगठन करना चाहिए, संगठित होना चाहिए और ये संगठन की ताकत आज राजस्थान देवासियों ने ये जोधपुर की धरती पे बताया है। मेरी तीसरी बात यह है कि समाज में वर्षों से चली आती कई परंपराएं हैं, इनमें से भी बाहर निकलकर जो समाज का परिवर्तन होता है, अन्य समाज के साथ पैर में पैर रखकर चलना है कि हमारा समाज, हमारा परिवार भी की थी आज नहीं तो कल हमारा परिवार भी सुखी और समृद्ध होगा। आज नहीं तो कल उन सभी संकल्पों को पूरा करना है। तो समाज ने समय के साथ परिवर्तन, समाज के समय के साथ चलना होगा। कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में मत मतांतर भी होते रहते, इनमें से कई बड़प्पन बताकर भी समाज को आगे ले जाने के लिए सबको एकजुट होना ये अनिवार्य है। ऐसे बात करके आज मैं गुजरात से आया था आपका दर्शन के लिए, इतनी बड़ी संख्या में देखकर हमारे भी जीवन में एक यादगार दिन रहेगा। आपको बहुत बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन करता हूँ। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व।